अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपके अदली शाबिर है डिवाइन गोड। दोस्तों, गर्मी आ गई है और कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुझे लगता है पाकिस्तान में और इंडिया में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और दुनिया के तकरीबन हर इलाकों में इस वक्त गर्मी आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इस वक्त पानी किस तरह देना है बकरों को, पानी में क्या क्या चीज़ें मिक्स करके आप दे सकते हैं बकरों को, वो मैं बताऊँगा, जो कि आपके बकरों को फ़ायदा भी दें, जो कि वज़न बढ़ाने में भी मदद करें आपके बकरों का, और साथ में उनको एनर्जी उनकी जो है डाउन ना हो और किसी भी तरह का उनको नुकसान ना हो। अच्छा दोस्तों, तो दो चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पानी में जो मिला के देनी है आपने, तो वगैरह काम तुम्हारा। तो दोस्तों, ये करना है पानी में आपने सबसे पहले तो ORS मिला के देना है बकरों को। ORS क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मुझे नहीं पता इंडिया में किस नाम से आता है, पाकिस्तान में तो ORS के नाम से आता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये ORS का साशा है। इसको जो है आप आराम से पानी में मिला के और दे सकते हैं। और जो है एक बाल्टी पानी में आप एक साशा मिला दें, बहुत है। हफ्ते में दो दफ़ा लाजमी दें ये, क्योंकि गर्मी जिस तरह की हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है बॉडी में। जो समझ लें जो एनर्जी के सेल्स होते हैं, आसान अल्फाज में समझाऊँ तो, वो कम हो जाते हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, आप जो है गुड़ का पानी, जो गुड़ होता है, जो जैगरी होती है, गुड़ की डली एक लेके आधी डली आप जो है पानी में मिला के भी दे सकते हैं। वो पेट साफ करने की मदद करता है, पेट को ठंडा रखने की मदद करता है गुड़ जो है, और गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद है। हाजमे के लिए दोस्तों बहुत फ़ायदेमंद होता है। बकरों को किसी किस्म का हाजमा नहीं होता। जो बकरे सांस की प्रॉब्लम होती है, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होने देता। अगर गुड़ की एक डली आप ले लेंगे नॉर्मल सी साइज़ की, तो वो काफ़ी है। आधी डली जो पूरा इतना बड़ा साइज़ होता है उसका आधी आप हाफ काट के दे दें तो भी काम हो जाएगा आपका। तो उसमें क्या है, आपका पेट भी साफ रहेगा, बकरे का हाजमा भी उसका अच्छा रहेगा, और उसको खुदा ना खास्ता किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं होगी। सही है दोस्तों। इसके साथ साथ गर्मियों में एक चीज़ और रखें अपने पास, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैं हमेशा रखता हूँ, आप लोगों को दिखाया है पहले भी, या अभी भी दिखा रहा हूँ। और ये जो है आपने हमेशा रखना है अपने पास, इसको नहीं छोड़ना, इसकी ये चीज़ नहीं छोड़ सकते आप। उसकी वजह ये है कि ये क्या है, आपको पता है नमक है ये, और इसको जो है नमक लाजमी आपने रखना है अपने पास। उसकी वजह यह है दोस्तों कि सोडियम की कमी नहीं होनी चाहिए गर्मियों में, ख़ास तौर से गर्मियों में सोडियम की कमी होगी, इनका पेशाब का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, इनको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें देखना है कि किस तरह से इनका यूरिन इन्फेक्शन या इस तरह की कोई भी बीमारी जो गर्मी में आ सकती है वो ना आए, सुस्ती ना हो जानवरों को, जानवरों को कमज़ोरी महसूस ना हो। ORS देंगे तो इंशाल्लाह सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ मल्टीबायोटा सिरप आपने जो है लगा के रखना है गर्मी में, तकरीबन 2-3 CC आप 5 CC एक दिन में दे दें, तो तकरीबन हफ्ते में 3 बार दे सकते हैं आप ये, और देंगे तो इंशाल्लाह आपके जानवर में एनर्जी जो है, मल्टीविटामिन्स की कमी नहीं होगी, मिनरल्स की कमी नहीं होगी। तो मल्टीविटामिन्स के लिए जो है मल्टीबायोटा सिरप या लाइसोविट सिरप, कोई सा भी सिरप आप यूज़ कर सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। सही है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने बकरा इस साल नहीं करवाना कुर्बानी, इस साल सेल नहीं करना, तो उसके बाल उतरवा दें। मैं भी कुछ दिनों में उतरवाऊँगा, क्योंकि इस टाइम सबसे सही वक्त ये बकरों को जो है बाल उतरवाने का उनके। अब जो है गर्मी आ गई है तो इस वक्त बाल उतरवा सकते हैं आप बकरों के। जगह को ठंडा रखें, खुला रखें, आप देख रहे हैं चारों तरफ से हवा के लिए मैंने खुला छोड़ दिया इस वक्त, ताकि इनको हवा लग सके और ये जो है सही से ज़रा सांस ले सके खुल के। जो सर्दी का मौसम था वो चला गया है, अब आपने जो सारी चीज़ें रखनी है वो गर्मी के हिसाब से सेटिंग करनी है जानवरों की, ताकि आप लोगों को बाद में जाके कोई परेशानी सामना ना करना पड़े। और जानवर जो है अक्सर दाना खाना छोड़ देते हैं, वो गर्मी की वजह से छोड़ देते हैं, उनको गर्मी लग जाती है। तो अगर दाना जानवर खाना छोड़ दे आपका, फ़ौरन आपको लगे कि यार इसको गर्मी लग गई है, तो आपने उसको फिलहाल ग्रैप वाटर की आधी बोतल, बड़ा बकरा है तो पूरी, अगर छोटा बकरा है तो आधी बोतल ग्रैप वाटर की आपने पिला देनी है, और इंशाल्लाह उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता उसका मैदा ठंडा होगा तो वो दाना खाने लगेगा। और दही तेल का इस्तेमाल करना है, दही तेल भी आप फॉर्मूला इंशाल्लाह बता दूंगा जल्दी मैं आप लोगों को। तो इस तरह के फॉर्मूले जो जानवरों को ठंडा रखते हैं वो इस्तेमाल करना है, और पानी को 24 आवर देना है, पानी को 24 आवर देना है, रोकना नहीं है पानी को। पानी ऐसा नहीं होना चाहिए जानवर सामने ना रखा हो, सही है, भले ORS हो ना हो, कोई भी चीज़ हो ना हो, लेकिन पानी आपने रोकना नहीं है। पानी जो है 24 घंटे गर्मी में बकरों के साथ अवेलेबल होना चाहिए। सही है दोस्तों, फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। हूँ आपके शामिल रहता है।